सूखा ही बीता श्रावण मास का पहला सोमवार। पहले सोमवार को ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजे शिवालय। सूचना के अधिकार में प्रस्तावित संशोधन को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। स्थायी संसदीय समितियों में भेजकर चर्चा की रखी मांग। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नाग पंचमी का पर्व। महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर किया व्रत का पारणा। और शहर के पाली बाजार में सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही पार्षदों ने शुरू किया विरोध। गतिरोध शांत होने के बाद शुरू हो पाया निर्माण कार्य। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शिव आराधना के मास सावन के शुरुआत के बाद आज सावन का पहला सोमवार था। सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहा। सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, जल, बिलपत्र, आग, धतूरा चढ़ाकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। श्रावण मास के पहले सोमवार को शहर के महादेव छत्री सहित अन्य शिव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी प्रकार शहर के सेंदा रोड स्थित अघोरेश्वरनाथ शिव मंदिर, अजमेर रोड स्थित शिव मंदिर, नेहरू गेट बाहर स्थित मुहबोले महादेव मंदिर, कॉलेज रोड स्थित सोमनाथ शिव मंदिर, नीलकंठ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, अजमेर रोड स्थित दादीधाम शिव मंदिर, स्टेशन रोड स्थित हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर तथा चंपानगर स्थित प्राचीन मीराबाई मंदिर स्थित शिव मंदिर में सोमवार को पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रावण के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना करी और देश प्रदेश व शहर में खुशहाली व अच्छी बरसात की कामना की, लेकिन पहला ही सोमवार सूखा ही बीत गया। शहर में सोमवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रखकर नाग देवता को दूध चढ़ाया तथा तेजाजी के थान पर पहुंचकर नाग देवता की पूजा अर्चना भी की। पर्व के मौके पर महिलाओं ने विजयनगर रोड साखला कॉलोनी स्थित स्वर्गीय राम सिंह साखला के मकान में बनी नाग प्रतिमा की पूजा अर्चना के पश्चात व्रतधारी महिलाओं ने नाग बाबा की कहानी सुनकर व्रत का पारणा किया। मालूम हो कि श्रावण मास की पंचमी के दिन मनाए जाने वाले नाग पंचमी पर्व पर काल सर्प योग की शांति के लिए पूजन आदि भी किए जाते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर सोमवार को अग्रवाल तथा खंडेलवाल समाज की महिलाओं ने भी नाग देवता की पूजा अर्चना करते हुए ठंडे खाने का उपयोग किया। सोमवार को नाग पंचमी की पूजा करने वाली महिलाओं में सरिता गर्ग, हेमलता अग्रवाल, पिंकी सिंह हल, रेखा देवी, मीना देवी, शकुंतला देवी, सुमित्रा देवी अग्रवाल, पूजा मित्तल, विनीता गुप्ता, संतोष देवी साकला तथा राधिका गुप्ता आदि शामिल थी। शहर में सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सीवरेज कंपनी की ओर से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के दौरान रविवार को शुरू हुए सड़क निर्माण कार्यों का पार्षदों ने विरोध करते हुए काम बंद करा दिया। मौके पर पहुंचे परिषद अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों ने पार्षदों के साथ चर्चा की। बाद में इस बात पर सहमति बनी कि सड़क नियत चौड़ाई से ही बनाई जाएगी। पार्षद विजेंद्र प्रजापत ने बताया कि रविवार को कंपनी ने सड़क निर्माण कार्य शुरू किया, मगर मौके पर सड़क के दोनों ओर 4.5 मीटर सड़क ही बनने की जानकारी मिली। इस पर नेता प्रतिपक्ष सतपतराज मेवाड़ा और अन्य पार्षद मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि चांगेट से भारत माता सर्किल तक सड़क करीब 13.75 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ी है, मगर कंपनी का सरकार से जो एमओ हुआ है उसके मुताबिक वह 4.5 मीटर सड़क ही बना सकती है, क्योंकि मुख्य बाजार में दोनों ओर लाइन बिछाई गई। ऐसे में कंपनी अधिकतम चौड़ाई एक और 4.5 मीटर तक ही बना सकती है। इधर पार्षदों का कहना था कि मुख्य बाजार में कंपनी जो सड़क बना रही
है वह नाली से नाली तक बने, जबकि कंपनी के मुताबिक महज 9 मीटर चौड़ी सड़क ही बनाई जाएगी। ऐसे में शेष भाग पर आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर उन्होंने मौके पर काम बंद करा दिया। मौके पर पहुंचे नगर परिषद एएन ओम प्रकाश चौधरी, कंपनी प्रतिनिधि विवेक सिंह ने पार्षदों की समस्या सुनी। कंपनी प्रतिनिधि ने टेंडर की शर्तों के मुताबिक नियमानुसार सड़क निर्माण की बात कही तो पार्षद अपनी बात पर अड़े रहे। काफी देर विचार विमर्श करने के बाद यह तय हुआ कि यदि मौके पर नाली से नाली तक सड़क बनानी है तो नगर परिषद प्रशासन को कंपनी को लिखित में आदेश जारी करने होंगे। पार्षदों ने इस पर सहमति जताते हुए सोमवार को यह कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। शाम को पार्षदों ने जिस मामले को लेकर विरोध जताया उसी मामले में रात को कंपनी ने फिर काम शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर एक और 4.5 मीटर सड़क निर्माण ही शुरू हुआ। इसका कुछ लोगों ने विरोध भी जताया मगर कंपनी की ओर से निर्माण कार्य जारी रखा गया। इधर कंपनी प्रतिनिधि का कहना था कि सरकार से जो करार हुआ है उसकी पालना करते हुए नियमानुसार कार्य किया जाएगा। पार्षदों ने कंपनी प्रतिनिधि को सुझाव दिया कि कंपनी मौके पर सड़क चौड़ी बनाए, हालांकि उसे जितनी निर्माण सामग्री लगानी है उसी मुताबिक काम करे। आगे जो सड़क कम पड़ेगी उसके लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से निर्माण कराया जाएगा। मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, दलपत राज मेवाड़ा, विजेंद्र प्रजापत, बाबूलाल पंवार, मेघराज बोहरा, पुखराज जादम, राजेश जादम सहित अन्य लोग मौजूद थे। सीवरेज के तहत जहांगीर से जो 5 पत्ती की सड़क बनाई जा रही है उसमें 4.5 मीटर का पट्टा बनाया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी अध्यक्ष सोहन जी मेवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष दलपत मेवाड़ा, मैं यहाँ का स्थानीय पार्षद होने के कारण हमने नगर परिषद प्रशासन से गुजारिश की कि इस पूरी ये शहर का मुख्य मार्ग है और ये सुंदर और सुव्यवस्थित बनना चाहिए। उसी के तहत जो इनका तखमीना था वो 4.5 मीटर की सड़क का था और हमने कमिश्नर साहब को निवेदन किया कि ये सड़क नाली टू नाली बने और जहाँ तक भी बने, तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा के बाद में ये निर्णित हुआ है कि चांगेर से 5 बजे तक ये सड़क नाली से नाली 1 फुट या 1.5 फुट छोड़कर दोनों तरफ ये सड़क पूरी बनेगी। ये पिछले 20 साल की मांग है। ब्यावर का जो मुख्य बाजार है जो कि ब्यावर की एक सुंदरता भी कहलाती है और ब्यावर के तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, पर आज तक इस ब्यावर की मुख्य बाजार की हर पार्टी ने नेतागिरी की है। हर मोहल्ले के हर जो यहाँ के व्यापारी है इन्होंने समय पर मांग उठाई है, पर इसका निर्णय आज तक नहीं हुआ। ये पिछले ब्यावर के 4 दिन पहले एक नगर परिषद में एम्पायर कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर ये निर्णय किया गया था कि शहर के अंदर जो सीवरेज जो प्लान चल रहे हैं जिसके तहत जो शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ना और उनको सही बनाना, जिसके अंदर ये 5 मीटर से ये रोड लिए कि चांगेर से 5 बत्ती तक दोनों साइड से सड़क के बीच के डिवाइडर को हटाकर बीच में फेंसिंग वाल किया जाएगा जो भी एंगल का लोहेगा। पर हमारे स्थानीय पार्षद हमारे भाई जोली भाई ने इसका थोड़ा सा तकमीना बदलने के लिए कहा है, जिसे पूर्ण रूप से नगर परिषद बदलेगी और इनकी पूरी भावना रखेगी, क्योंकि ये शहर को खुद भी सुंदर करते हैं। पर जो 4.5 मीटर की बात थी, ये बात सही है कि सीवरेज के अंदर 4.5 मीटर ही पास हुआ है, पर स्थानीय कांग्रेस सरकार होने के कारण और स्थानीय कांग्रेस के सभी पार्षदों ने ठेकेदार को आवश मतलब विश्वास दिलाया कि आप नाली से नाली सड़क बनाइए, आपका जो भी बजट है राज्य सरकार से स्वीकृति कराना, उसकी पूर्ण जवाबदारी कांग्रेस की रहेगी। पर ये शहर का अधूरा काम नहीं हो, जिससे आम आदमी को जनता को ये मैसेज नहीं जाए कि कार्य चालू हुआ और बंद क्यों हुआ। ये पूरा कार्य संपूर्ण विधिवत तरीके से किया जाएगा और नाली से नाली बनाया जाएगा। श्री पीपा क्षत्रिय समाज की ओर से मासिक रूप से प्रकाशित होने वाले श्री पीपा पंथ दर्शन पुस्तिका का सोमवार को विमोचन किया गया। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में आयोजित प्रवचन कार्यक्रम के दौरान संत गोपालराम महाराज ने पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालु तथा श्री पीपा क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। विमोचन के बाद संत गोपालराम महाराज ने पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति करने का आशीर्वाद देते हुए सभी को शुभाशीष दी। श्री क्षत्रिय पीपा समाज
के अध्यक्ष मनोज कुमार परिहार ने बताया कि अजमेर से प्रकाशित होने वाली इस मासिक पत्रिका में समाज की हर प्रकार की गतिविधियों की जानकारी प्रकाशित होती है, जो कि समाज के लिए बहुउपयोगी साबित होगी। उन्होंने बताया कि पत्रिका के माध्यम से समाज के लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होगा। विमोचन कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम दर्जी, मीरूलाल, अशोक चौहान, सुनील सत्यनारायण टाग, पुखराज चौहान, अशोक चौहान, सत्यनारायण राकेचा तथा ज्ञानचंद राकेचा आदि उपस्थित थे। हमारे समाज की पत्रिका श्री पीपा पंथ दर्शन, जिसका विमोचन आदरणीय संत श्री गोपाल राम जी महाराज के द्वारा यहाँ किया गया। यह हमारे समाज की एक पत्रिका है जो मासिक निकलती है, जिसमें समाज के हित में अन्य स्थानों पर जो गतिविधियाँ होती है उसका विवरण इसमें रहता है। किस स्थान पर क्या समाज में गतिविधि हुई, उससे प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा के तहत ये एक मासिक पत्रिका श्री पीपा पंथ दर्शन, जो कि अजमेर से प्रकाशित होती है, जिसका विमोचन आज संत श्री के कर कमलों के द्वारा हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये पत्रिका सभी समाज के लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी पठनीय सामग्री इसमें है और स्वयं भी इस पत्रिका में अपने लेख प्रकाशित कराने हेतु अपने लेख अजमेर कार्यालय भिजवा सकते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से प्रथम बजट व संशोधित बजट में आशा सहयोगनियों को मानदेय से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए राजस्थान प्रदेश आशा सहयोगनियों व ग्राम साथीन कर्मचारी संघ ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में आशा सहयोगनियों ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी पाठशाला व एनएचएम में कार्यरत आशा सहयोगनियों के मानदेय में लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में भी करीब 49,000 महिला कार्यकर्ताओं को वंचित रखा गया है, जिसके कारण सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में शीघ्र ही मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार रखते हुए उन्हें पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामकन्या नागोरा, विष्णु पंवार, गायत्री देवी, सीमा, सुशीला, पुष्पा, किरण, सुनीता, अंजू, किरण, हेमलता, उषा चौहान, मंजू सेन, लाली देवी सहित अन्य महिला कार्यकर्ता शामिल थी। आज हम यहाँ जवाजा से ब्यावर खास से और किसागढ़ सभी पंचायत से समिति से आई हुई हैं महिलाएं, और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी ये जो मांगे हैं कि भाई हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए या हमको स्थायी किया जाए, वो उस पेमेंट के हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। और बस मेरा तो यही कहना है कि एसडीएम साहब हमारी मांगे को पूरी तक पहुँचाए और हमारी मांग पूरी हो। बस बजट घोषणा करी थी उसके अंदर हमारे को उन्हें वंचित रख दिया। हमारे साथ में सोतल ने व्यवहार करा किया, उन्होंने वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आती कहाँ है? हमारे हम 2,500 रुपए में काम कर रहे हैं महिला बाल विकास के अंदर, तो फिर उन्होंने इनको ये नहीं लगा कि 2,500 रुपए में काम कर रही है। जब देखो जब कार्यकर्ताओं का तो पैसा बढ़ाया गया, लेकिन आशा सहयोगिनी को उन्होंने याद भी नहीं किया। और उन्होंने साथीन में ग्राम साथीन में इसमें काम कर रही है, ग्राम साथीन का भी पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है। और हमारे को उन्हें कुछ ना पेमेंट मिलता है वो हमारे प्रोत्साहन राशि के हिसाब से मिलता है, उसमें भी हमारा बंटवारा कर दिया गया। जैसे कि एनएम है ना, पीपीआईसीडी लगाते हैं उसके अंदर है ना, एनएम अपना नाम दे देती है विजिट के अंदर, तो वो पैसे हमारे कट जाते हैं आगे से। गवर्नमेंट से हमारे पास पैसे ही नहीं आता है। जब हम लेबर रूम में जाते हैं तो वहाँ अंदर जाने के बाद में हमारे को है ना अंदर जाने नहीं देते हैं, बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि एनएम और है ना जीएनएम जो होते हैं वो अपना टारगेट पूरा कर लेती है अंदर। पेशेंट को हम लेके आते हैं, लेकिन है ना पेशेंट का आगे जाकर के नाम है ना उनका दिया जाता है, क्योंकि है ना पीपीआईसीडी के अंदर जब पेशेंट हमारे विश्वास पे आता है और हम पेशेंट को नहीं लेके जा रहे तो फिर मतलब क्या है उसके अंदर। और 9 महीने तक एएनसी की हम देखभाल करते हैं, उसके बाद में भी है ना हमारे को उसका रिजल्ट नहीं आता है। श्री थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को भी दस्तियाब करते हुए उसे परिजनों के सुपुर्द किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को पॉस्को न्यायालय में पेश किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में मेडिकल करवाया है। सिटी थाना अधिकारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि बास ने जोधपुर निवासी अविनाश पुत्र मगन सिंह के खिलाफ एक नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शिकायत मिली थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी तथा नाबालिग को जयपुर से दस्तयाब किया। पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मेडिकल के बाद आरोपी को अजमेर स्थित पॉस्को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भिजवा दिया गया है।
ब्यावर सिटी थाना पे एक पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच के दौरान जो आरोपी था अविनाश पुत्र गगन सिंह जाति राजपूत, उसको हमने गिरफ्तार किया है और आज का सारा जो भी अनुसंधान संबंधी जो भी दिशा निर्देश है उसके अंतर्गत हमने कार्रवाई की जाकर उसके अरेस्ट के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके पश्चात और भी इसमें कोई अनुसंधान है उसको पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत रविवार को भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के महाराणा प्रताप मंडल तथा आशापुरा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में जटिया कॉलोनी स्थित गंगा माई मंदिर के पास में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष अनिल पंडित एवं माँ आशापुरा मंडल के अध्यक्ष हरीश सामरिया ने बताया कि विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत कॉलोनी सहित आसपास के करीब 200 लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए उन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर गंगा माई मंदिर के पास से विधायक शंकर सिंह रावत के द्वारा पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान अपने संबोधन में विधायक रावत ने कहा कि हमें हमारे जीवन में एक पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पेड़ होंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तो शहर में अच्छी बरसात होगी, बरसात होगी तो जल होगा तो कल होगा। रावत ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चला रखा है, उसमें भी हम सबको प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जल का संरक्षण करना चाहिए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष जयकिशन बलदुआ, दिनेश कटारिया, तुलसी रंगवाला, लेखराज कंवरिया, ऋषभ चंद खटोट, अजय फुलवारी, किशन चावरिया, नारायण सिंह, पुरुषोत्तम जेलिया, जयकिशन, श्यामलाल, वीरेंद्र सिंह भाटी, मोतीलाल, हेमंत झुंझुनवाल तथा संदीप चावरिया आदि उपस्थित थे। शहर के जालिया रोड स्थित सेठ सांवरिया कॉलोनी में रविवार दोपहर एक ट्रांसफार्मर में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। पशुपालक ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गाय का पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर सेठ सांवरिया कॉलोनी निवासी चंद्रकला भाटी अपनी दुधारू गाय को पानी पिलाने ले जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रांसफार्मर के पास से निकलने के दौरान गाय उसमें प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गई, जिस कारण गाय वही तड़पने लगी। एक बारगी तो चंद्रकला घबरा गई और गाय को पोल से दूर करने का प्रयास करने वाली थी, लेकिन उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए गाय को छुआ नहीं, लकड़ी से उसे दूर करने का प्रयास करने लगी, लेकिन गाय करंट की चपेट में आने के कारण बेसुध होकर गिर गई। सूचना मिलने पर विद्युत प्रवाह बंद करवाया गया। जानकारी मिलने पर सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गाय मालिक मल्ला राम ने रोते हुए बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बिजली के पोल में करंट प्रवाहित होता रहता है, लेकिन इसको लेकर कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण उनका दुधारू पशु काल का ग्रास बन गया। शाम को गाय के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पशुपालक ने मुआवजे की मांग की है। मसूदा थाना क्षेत्र के शामगढ़ में रविवार को पेड़ की टहनियां काटते समय एक विवाहिता करंट की चपेट में आ गई। उसकी आवाज सुनकर उसका पति उसे बचाने पहुंचा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया, जिस कारण दोनों अचेत हो गए। दोनों को राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से पत्नी को रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शामगढ़ निवासी शोएब और उसकी पत्नी मंजू को गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां परिजनों ने बताया कि मंजू रविवार को पेड़ की डालियां काट रही थी। इस दौरान ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों को छू के कारण वह करंट की चपेट में आ गई। उसकी आवाज सुनकर उसका पति उसे बचाने के लिए दौड़कर आया। परिजनों ने बताया कि मंजू के पति ने उसे तारों से दूर किया, लेकिन इस दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गया। मंजू गंभीर रूप से झुलस गई तो वही शोएब अचेत हो गया, जहां स्थिति गंभीर होने के कारण मंजू को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। भतीजे की बहू खेत पर काम करने के लिए गई बाढ़ चेक करने के लिए, तो सामने से ऊपर बिजली की लाइन निकल रही थी और बाढ़ काटते वक्त करंट के झटके से आई और हाथ जल गया, पांव जल गया। मेरी तरह से दोस्त थी, हम पड़ोसी और गाँव वाले मिल गए, यहाँ हॉस्पिटल आए और अमृत कौर भर्ती कराए। गणेशपुरा के दावत समाज के लोगों ने सोमवार को अधिशासी अभियंता को एक पत्र सौंपकर गणेशपुरा स्थित खसरा संख्या 306 की सरकारी भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने की मांग की है। अधिशासी अभियंता को दिए गए पत्र में समाज के लोगों ने बताया कि उक्त खसरा संख्या की भूमि रावत समाज तथा मेघवाल समाज के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। विगत दिनों सरपंच ने दोनों समाज के लोगों की समझाइश करते हुए किसी भी प्रकार के काम के लिए पाबंद किया था। पत्र में बताया गया कि विवाद स्थान पर विद्युत कनेक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। समाज के लोगों ने बताया
बताया कि अगर उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी किया जाएगा तो दोनों समाजों के बीच भारी विवाद होने की संभावना है। अतः किसी भी सूरत में उक्त विवादित भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जावे। अधिशासी अभियंता से मुलाकात करने वालों में रमेश सिंह, मदन सिंह, राहुल सिंह, नाथू सिंह, कमल सिंह, परमेश्वर नाथू सिंह, मेजर केसर सिंह चौहान तथा चिमन सिंह आदि शामिल थे। 306 इसके अंदर ये कर रखे हैं और ये हमारे तय हो रखी है कि भाई दोनों आधे आध हिस्सा करके बांटे खाएंगे। फिर इसमें क्या गया, हमारे को धोखा देके अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी, वहाँ रातियों रात लगा दी, किसी परमिशन नहीं है, कोई किस कमरा बना दिया सार्वजनिक, ट्यूबवेल हमारे हमने पास करवाई इसके प्रधान का कोटा से, गांव के गायत्री देवी ने पास किए, अब वो इसमें निजी एक कमरा बना दिया, इसमें ताला लगा दिया, निजी कनेक्शन ले रहे हैं मेघवाल समाज के नाम का, इसलिए हमारे को पूरा पूरे राव समाज को पूरा ये ऐतराज है, आपत्ति है। और जब हमारा राव समाज का कोई बच्चा जाता है 8 बजे तो इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को फोन कर देते हैं कि हमारी मूर्ति तोड़ने आया, हमारे को जान से खतरा है राव समाज। राज्य सरकार की ओर से बजट में किसानों को लगातार 6 घंटे तक 3 फेज विद्युत सप्लाई देने के लिए विद्युत विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी अधिशासी अभियंताओं को फीडर्स एग्री के कनेक्शन के आदेश दिए हैं। विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से किसानों तथा ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत सप्लाई दिए जाने की योजना की क्रियान्विति के निर्देश मिले हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए फीडर्स एग्रीगेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे 3 फेज विद्युत सप्लाई की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना घरेलू उद्योग चला सके। इसी प्रकार किसानों को भी लगातार 6 घंटे लगातार 3 फेज विद्युत सप्लाई दी जाएगी, ताकि किसानों को एक साथ कृषि संबंधी कार्य लगातार किए जा सकेंगे। सिंह ने बताया कि राजस्व गांव के अलावा ढाणियों में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे सिंगल फेज विद्युत सप्लाई दी जाएगी। अधिशासी अभियंता सिंह ने बताया कि योजना के तहत जीएसएस से ही कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग लाइनें डाली जाएगी, ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। निगम से हमारे को फीडर सेग्रीगेशन का डीपीआर बनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। फीडर सेग्रीगेशन से 11 KV एग्रीकल्चर के फीडर जैसे से अलग हो जाएंगे और डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो अलग हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो ब्लॉक और सप्लाई एग्रीकल्चर में मिलती थी वो अच्छे क्वालिटी की मिलेगी और अबाध गति से निर्बाध गति से बिजली प्राप्त होगी हमारे किसान भाइयों को। साथ ही जो डोमेस्टिक सप्लाई हमारे गाँव में दी जा रही है उसमें जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं उसमें तो 24 घंटे 3 फेज सप्लाई दी जाएगी, ताकि कोई छोटा मोटा कल कारखाना उद्योग लगाना चाहे तो वो बराबर उसमें लगा करके अपनी जीविका उपार्जन का काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकता है। और दूसरा जो रेवेन्यू विलेज नहीं है, ढाणियाँ और ये जो ढाणियाँ और हेलमेट्स हैं उनमें भी 24 घंटे सिंगल पे सप्लाई दी जाएगी। मतलब सब मिला जुला कर इस स्कीम का मूल उद्देश्य है कि 24 घंटे सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई ढाणियों को डोमेस्टिक में मिलेगी और एग्रीकल्चर को सेपरेट फीडर खींच करके उनको सप्लाई दी जाएगी। इसके लिए जीएसएस पे अगर 11 KV फीडर के अलग से बे बनाने की आवश्यकता वो भी बनाया जाएगा, उसके लिए VCB, GO, DO ये सारी चीज़ें लगाई जाएगी, ताकि जीएसएस से ही दोनों फीडर अलग अलग चलेंगे, ग्रामीण के लिए एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक के लिए। ये बहुत ही अच्छी योजना है और भविष्य में इससे काफ़ी फायदा। खबरों में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ ब्यावर की ओर से सोमवार को वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए गए वार्षिक अधिवेशन समारोह में स्थानीय संघ के करीब 2 से अधिक स्कूलों के स्काउट व गाइडों ने शिरकत की। स्थानीय संघ के मोहन सिंह चौहान ने बताया कि अधिवेशन के दौरान संघ की ओर से विगत वर्ष किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही संघ की ओर से आगामी 1 वर्ष में किए जाने वाली गतिविधियों तथा विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस दौरान उपस्थित सभी स्काउट एवं गाइड ने अपनी ओर से अपने अपने विचार तथा कार्य योजना पेश की। अधिवेशन के दौरान राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के LT विनोद मेहरा, उप प्रधान नारायण सिंह पंवार, जफरूराम भाटी, सीमा कृपलानी तथा गीता सोलंकी आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। अधिवेशन के दौरान राजेंद्र प्रजापति, मोहन सिंह, राधेश्याम रंगावत, पूनम चौधरी, गोपाल शर्मा, महेंद्र कुमार, विष्णुदत्त गोयल, नीतू विजय सहित अन्य का सक्रिय सहयोग रहा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ब्यावर का आज वार्षिक अधिवेशन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटेल स्कूल ब्यावर में आयोजित हो रहा है। इस वार्षिक अधिवेशन में ब्यावर जिले की जितने भी स्कूल हैं, करीबन 200 स्कूल हैं, वहाँ के स्काउट्स और संस्था प्रधान यहाँ भाग लेते हैं। एक वर्ष में, पूर्व वर्ष में हमने क्या क्या किया है वो पूरा आय और व्यय का और प्रस्ताव यहाँ रखा जाएगा और आने वाले 1 वर्ष में हम क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके इनके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विनोद जी मेहरा साहब, जो सर्वोच्च पद होता है स्काउट गाइड में, LT लीडर ट्रेनर के रूप में, वो हमारे बीच में उपस्थित है। उप प्रधान के रूप में हमारे बीच में नारायण सिंह जी पवार साहब, श्रीमान जफरूराम जी भाटी साहब, सीमा कृपलानी मैम, प्रधानाचार्य साहबुरा मोला ब्यावर, गीता सोलंकी मैम जो महिला हमारे उप प्रधान के रूप में चुने गए हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। इसी के साथ धन्यवाद। मजदूर किसान शक्ति संगठन देवडूंगरी बरार राजसमंद ने सोमवार को SDM को एक ज्ञापन देकर लोकसभा में प्रस्तावित सूचना के अधिकार में संशोधन करने की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दिए गए ज्ञापन में संगठन कार्यकर्ताओं ने बताया कि भारत सरकार ने 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में RTI संशोधन विधेयक पेश किया है। विधेयक में केंद्र और राज्यों में सूचना आयुक्तों की सेवा की अवधि, वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को तय करने के लिए प्रस्तावित संशोधन लाया गया है। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि कानून बनाने के दौरान सूचना आयुक्तों की स्थिति पर संसद के स्थायी सहित व्यापक चर्चा की गई थी और स्थायी समिति ने माना कि सूचना आयोग कानून के तहत एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून की अति महत्वपूर्ण प्रणाली की को क्रियान्वित करेगा। इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ काम करे। ज्ञापन में बताया गया कि सूचना के अधिकार का अभियान पूरी तरह से NDA सरकार की ओर से लाए गए संशोधन को अस्वीकार करता है और मांग करता है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाए। अभियान सरकार को यह भी याद दिलाना चाहेगा कि वह अपने विधायी कार्य को उचित प्रक्रिया का पालन करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी कानूनों के मसौदों को पूर्व विधायी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाए। साथ ही जो संशोधन लोगों को मौलिक अधिकारों को प्रभावित करे उसे उचित संसदीय स्थायी समितियों को भेजकर उन पर व्यापक बहस और चर्चा के माध्यम से रखा जाना चाहिए। कमिश्नर हैं राज्य स्तर पे भी और केंद्रीय स्तर पे भी, उनकी स्वायत्तता कैसे रखी जाए, तो उसमें यह तय किया गया था कि जिस प्रकार इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपके लोकपाल हैं, जैसे वो एक स्वायत्त ढांचा है, किसी के अंडर नहीं चलता, तो उनका जो अवधि होगी 5 साल की तय अवधि होगी, 65 साल के अगर वो नहीं हुए हैं तो, उसको बदला जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सरकार तय करेगी कि कितनी अवधि के लिए वो रहेंगे। इसी प्रकार उनका जो भत्ता है या उनको जो सैलरी मिलती है, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार उसको तय करेगी। और केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन उसमें होंगे। तो इन सबसे सूचना के अधिकार पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम हर जगह आज ये ज्ञापन दे रहे हैं, जयपुर में भी, दिल्ली में भी, भीम में भी। और ये एक जगह खास है क्योंकि यहाँ से तो सूचना का अधिकार बिल्कुल निकला है, जन्मस्थली है वहाँ की, तो यहाँ के लोगों ने पहले भी उसका पुरजोर विरोध किया था और इस तरह के अलोकतांत्रिक चीज़ों पर हम आगे भी विरोध करते रहेंगे।
शहर के ब्यावर खास रोड शंभूपुरा स्थित शिवपुरा कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण वहां के निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं की दरकार को लेकर यहां के निवासियों ने सोमवार को एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों की समस्याओं को देखते ही पानी बिजली उपलब्ध करवाने तथा सड़क का निर्माण करवाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलोनी में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण अंधेरे में लोगों को जीवन यापन करना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण रात्रि के समय यहाँ पर जहरीले जीव जंतुओं का खतरा मंडराता रहता है। बरसात के मौसम में कई बच्चे इन जहरीले जीव जंतुओं का शिकार बन चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हंसराज, दिलीप, मंगतू, श्याम, संतोष चरणदास, सोहनलाल, भावक, घनश्याम, दिनेश, राजकुमार, राजेश प्रकाश सहित अन्य शामिल थे। ने तो पानी है हमारे रोज 40 रुपए आने जाने के लगते हैं और पावर हाउस वाले रोज तंग करते बिना बिल का हमारे को ऐसा थमा दिया उसने, कहते इतना पैसा भरो। वो लिखाने वाला कौन है, उनके साथ में जाने वाला कौन है, पावर हाउस वाला कौन है, उसको जाकर मारेंगे, कुटाई करेंगे, हम तो उधर मरेंगे मारेंगे वही काम करेंगे। हम बहुत तंग हो गए, लवार कोलानी शोभापुरे से आए सर, हम उधर से कुछ समस्या हमारी करो 100 लाख और हमारे को आए दिन ये बिल दो ये दो ऐसा करके आते हैं। हमारे पावर हाउस वाले परेशान करते रोज, ये लाइट बुझा दे, रोज सांप निकले, रोज उधर बिच्छू निकले, क्या क्या करे उधर। श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ विदुषी महासती श्री मनु विजेता महाराज के देवलोक गमन हो जाने पर रविवार को सेवंत मुनि व कमला कंवर महाराज के सानिध्य में रविवार को गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। समता भवन में आयोजित गुणानुवाद सभा में प्रणत मुनि ने कहा कि आज का पावन प्रसंग मनु विजेता श्री जी महाराज का है। हमने इनका जीवन सुना व देख भी लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया वैसा ही इनका नाम था। हम नानी शताब्दी मना रहे हैं, उन्होंने चरित्र आत्मा में कैसे जिया जो ब्यावर में इतिहास बना दिया। इनकी शुरू से भावना घर में संथारा लेने की थी, बाद में दीक्षा की भावना बनी तो वे तेले की तपस्या में दीक्षा ग्रहण कर ली। मनुष्य को एक पल का संयम ही काफी है, उन्होंने तो 32 दिन 35 मिनट का संयम लेकर इतिहास बना दिया। सेवा भावना महासती पराग श्री जी महाराज जैसी होनी चाहिए। शासन दीपिका चंचल कंवर महाराज ने कहा कि जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए कोई पता नहीं, अतः मृत्यु को भी महोत्सव बना लेना चाहिए। महासती पराग श्री महाराज ने कहा कि भगवान महावीर ने बताया था हमारा शरीर पानी के समान है, न जाने कब लुप्त हो जाए। नवदीक्षित मनोविजेता श्री जी की पुण्यवाणी प्रबल थी। सभा का संचालन करते हुए महामंत्री हुक्मी चंद दोस्तवाल ने बताया, जीवन की पूरी अवस्था में भी संयम को स्वीकार करके जीवन के साथ तप को पूरा कर लिया। शहर के विजयनगर रोड स्थित केंद्रीय उपकार गृह ब्यावर में सोमवार को जोमेटो कंपनी के फूड सप्लायर्स के जरिए नियम विरुद्ध खाना सप्लाई किए जाने की अफवाह ने जेल प्रबंधन को सख्ते में ला दिया। जेल प्रबंधन ने भी इस मामले में तत्परता से जानकारी जुटाई तो सामने आया कि एक स्टाफ सदस्य ने अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण जोमेटो बॉय से अपने लिए खाना मंगवाया था, जिसके बाद कहीं जाकर जेल प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार स्टाफ सदस्य के लिए जोमेटो बॉय की ओर से खाना लेकर जेल के बाहरी परिसर में जाने के कारण किसी को इस मामले में शक हो गया कि जेल में जोमेटो के जरिए खाना सप्लाई हो रहा है। इस बात को लेकर अफवाह फैल गई, जिससे जेल प्रबंधन भी हरकत में आ गया। सूचना पर मीडिया भी जेल पहुंच गई। मीडिया को देखकर जेल प्रबंधन के और अधिक हाथ पांव फूल गए। जब जानकारी चाही गई तो जेल में जोमेटो के जरिए बाहर से खाना सप्लाई हो रहा है तो जेल प्रभारी बनवारी लाल ने इस मामले में ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया तथा बताया कि जेल में बाहर से खाना मंगवाया जाए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जब मीडिया की बात को गंभीरता से लेते हुए जानकारी जुटाई तो सामने आया कि जेल में कार्यरत दीवान राजकुमार फुलवारी ने अपने स्वयं के लिए बाहर से खाना मंगवाया था, तब कहीं जाकर जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। सावन मास के पहले सोमवार के मौके पर श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर विकास समिति की ओर से अर्चना कॉलोनी स्थित श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर बाबा भोलेनाथ का हरिद्वार से आए गंगाजल के टैंकर के पानी से पंडितों की ओर से रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक कार्यक्रम के लिए हरिद्वार से मंगवाए गए टैंकर की दादाबाड़ी की यह पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के पश्चात टैंकर को शोभा यात्रा व गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में
हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जोड़ों ने सपत्नीक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। इस दौरान पंडित प्रभुचरण शास्त्री, राजेश शास्त्री, नवीन शास्त्री, ललित शास्त्री, अनिल शास्त्री तथा गोपाल लाल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दिलवाई। जलाभिषेक के पश्चात प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान शिव भक्त प्रभु सिंह चौहान, सेवानिवृत्त जेलर गोवर्धन सिंह, कैलाश वैष्णव, नवरत्न अनिवाल, हीरालाल जांगीड, हनुमान साखला, रणजीत सिंह चौहान, मनोहर साहू, ललित छीपा, महेंद्र कोठारी, रत्नेश रूनवाल, संतोष डागा, कन्हैयालाल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, भागचंद मोदी सहित शहर के प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उपखंड क्षेत्र में भी आगाज हो गया, जिसके तहत राजकीय निजी विद्यालयों तथा मदरसों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। पहले दिन ब्यावर जवाजा क्षेत्र में करीब 35 बच्चों को टीका लगाए गए, जबकि ब्यावर शहरी क्षेत्र में यह अभियान मंगलवार से शुरू होगा। अभियान के तहत जवाजा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सोनी एवं प्रोग्राम मैनेजर वाजिद अख्तर ने कोरोना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही राज्य आवास किशनपुरा जवाजा पीएससी सीएससी में ऐसे अभियान का आगाज करते हुए टीकाकरण की शुरुआत की। अभियान के शुभारंभ पर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर सिंह चांदावत ने कहा कि टीकाकरण का उद्देश्य बच्चों को खसरे जैसे रोगों से बचाना है। अभियान के तहत 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम दिन ब्लॉक क्षेत्र में 3,558 बच्चों को MR का टीका लगाया गया है। सोमवार को AKS सेंटर पर 6 बच्चों का टीकाकरण किया गया है। कल से ब्यावर शहर में जो सारे स्कूलों में क्रमवाइज ये मीजल्स रूबेला अभियान का टीकाकरण चालू होगा। उसमें 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को टीके लगे जाएंगे। पहले सबसे पहले स्कूल कवर किए जाएंगे, बड़े स्कूल, उसके बाद में छोटे स्कूल, फिर आंगनवाड़ी। उसमें अभिभावक एवं टीचर से सही अपेक्षा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों का टीकाकरण करवा के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था प्रधान ओम प्रकाश नवाल ने सभी स्वयं सेविकाओं को राष्ट्र सेवा का व्रत दिलाया। कार्यक्रम में संस्था सचिव अभय देव आर्य ने बताया कि समस्त स्वयं सेविकाओं ने राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण की भावना होना अत्यधिक आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के नेतृत्व में एक वृक्षारोपण रैली का आयोजन किया गया, जिसे ओम प्रकाश नवाल, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश काबरा तथा प्राचार्य डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के रूप में रवाना हुई स्वयंसेविकाएं अपने हाथों में पर्यावरण संरक्षण के स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में लेकर चल रही थी। साथ ही बालिकाएं पौधे लगाने के आह्वान संबंधी नारे लगाते हुए चल रही थी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। यहां पर स्वयंसेविकाओं ने रोडवेज बस स्टैंड परिसर में नीम, पीपल, वट, अनार, जामुन, अमरूद तथा अशोक सहित 31 पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान शहर के भामाशाह तथा वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जड़िया भी उपस्थित थे। दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंधित छात्राएं, जो कि 100 से अधिक छात्राएं, उन्होंने आज स्वच्छ भारत एवं वृक्षारोपण के लिए दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय से एक रैली के रूप में निकलते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड के पास कुएं के पीछे, जहां पर पूरा जगह खाली पड़ी है, वहां पर गड्ढे खुदवा कर वहां पर वृक्षारोपण का कार्य इन सभी छात्राओं के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किया गया। इस सहयोग में महाविद्यालय की व्याख्याताएं, वहां के कर्मचारी, इन सभी ने इस कार्य में छात्राओं के साथ अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस विश्व में जिस प्रकार से वृक्षों की संख्या घट रही है, व्यक्ति अपने उपयोग में तो लेता है लेकिन नया पौधा नहीं लगाता है, तो उसी राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बच्चों ने ये प्रण लिया कि इस कार्यक्रम के तहत आज शुरुआत करते हुए छात्रों ने उद्घाटन किया। ब्यावर गीन होने जा रहा है, उसके तहत दयानंद महाविद्यालय के 100 बच्चों ने यहाँ बहुत 76 प्लांट ट्रांसप्लांट किए हैं और उन्होंने खुद ने खड्डे गुजराए और ये अति सराहनीय है। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था पुराने आयुक्त और हमारे नए आयुक्त साहब का कि इसको पूरा लश ग्रीन करें,
15 पेड़ कल हमने लगाए थे, आज 21 का टारगेट था, पूरा हो गया है। कल और नया टारगेट लेके आएंगे और इसको लस गेन करने की भावना है। आदर्श विद्या मंदिर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत की ओर से गुरु गोविंद सिंह के 550 प्रकाश उत्सव के मौके पर प्रकाशित पंचांग का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद बुद्धराज कटारिया ने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी एवं अटूट है। आज विदेशी की भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे संस्कारवान बने और मर्यादा का पालन करते हुए हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर प्रकाशित पंचांग से भी कुछ सीख लेने का आग्रह किया। पत्रकार किशन नटराज ने कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, संस्कार एवं सेवा को जीवन में अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को देश के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास एवं शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता पर दिए जा रहे जोर की सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों की ओर से दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने ईश वंदना की तथा अतिथि सत्कार किया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य लादूराम सिरवी ने अतिथियों का परिचय करवाते हुए पंचांग का विमोचन करवाया। अध्यापक राधाकिशन मिश्रा की ओर से अतिथियों का श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। श्रावण मास के पहले सोमवार को 11 कांवड़ यात्रियों का जत्था पुष्कर से ब्यावर कांवड़ लेकर पहुंचा। जत्थे के ब्यावर पहुंचने पर साहू समाज की ओर से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। पुष्कर से ब्यावर पहुंचे सभी कांवड़िये गाजे बाजे के साथ भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर साहू समाज के युवाओं की ओर से सभी कांवड़ियों का माला पहनाकर तथा प्रसाद खिलाकर स्वागत किया गया। समाज के ब्रजेश साहू ने बताया कि सभी 11 कांवड़िये अपने कंधों पर पुष्कर के पवित्र जल से भरी कांवड़ लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विजयनगर रोड स्थित साहूवाटिका पहुंचे। कांवड़ियों का मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ियों को साहूवाटिका पहुंचने के बाद वहां स्थित शिव मंदिर में पुष्कर के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। अभिषेक कार्यक्रम में महेंद्र सिंह रावत, सुगन चंद हलवाई, पृथ्वीराज बंदीवाल, पार्षद अंगद राम अजमेरा, ब्रजेश साहू, नातू भांगड़, पप्पू अजमेरा, बाबूलाल अजमेरा, कन्हैयालाल अजमेरा, नंदू गुलानिया, रामचंद्र अजमेरा, पंकज साहू, मुकेश साहू, लक्ष्मण सिंह रावत, मनीष सोनी, प्रकाश सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सूखा ही बीता श्रावण मास का पहला सोमवार। पहले सोमवार को ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजे शिवालय। सूचना के अधिकार में प्रस्तावित संशोधन को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। स्थायी संसदीय समितियों में भेज कर चर्चा की रखी मांग। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नागपंचमी का पर्व। महिलाओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर किया व्रत का पारणा। और शहर के पाली बाजार में सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही पार्षदों ने शुरू किया विरोध। गतिरोध शांत होने के बाद शुरू हो पाया निर्माण कार्य।